लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़। टुडे वी आर गोइंग टू लिसन एन इंटरेस्टिंग फोक टेल ऑफ म्यांमार नेम द फोर पपेट्स, चार कठपुतलियां। देखिए बच्चों, यहाँ एल साइलेंट है, इसे हम लोग पढ़ेंगे फोक टेल यानी लोक कथा। प्राचीन समय से जो कहानी लोगों की जुबान पर प्रचलित रहती है उसे लोक कथा कहते हैं। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, आज हम लोग इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो आइए सुनते हैं चार कठपुतलियों की एक प्यारी सी कहानी। Once there was a puppet maker who had a son named Om. एक बार एक कठपुतली बनाने वाला था, उसका एक बेटा था जिसका नाम था Om। देखिए ये है Om। He found his father's job boring. Om को लगा कि उसके पिताजी का काम जो है वो उबाऊ है, कठपुतलियां बनाने वाला और कठपुतलियों को नचाने वाला। He decided to leave his home to seek his fortune. उसने निश्चय किया घर छोड़ने का अपने भविष्य की खोज करने के लिए। His father became sad. यह सुनकर उसके पिताजी दुखी हो गए। He gave him four puppets as companion of his journey. तब उसके पिता ने क्या किया, उसे दिया चार कठपुतलियां, ये देखिए उसकी यात्रा में उसका साथी बनने के लिए। He told him each puppet has its own virtue and value. उसके पिता ने उससे कहा कि हर पपेट का, हर कठपुतली का अपना नैतिक गुण और मूल्य है। The first puppet was the king of gods whose virtue was wisdom. पहली कठपुतली देवताओं का राजा था और जिसका नैतिक गुण था बुद्धि। The second was a green-faced ogre whose virtue was strength. जो सेकंड यानी दूसरी कठपुतली है, इसका गुण था, ये था हरे चेहरे का एक राक्षस जिसका गुण था ताकत। The third was a mystic sorcerer whose virtue was knowledge. जो तीसरा कठपुतली था, ये था एक रहस्यमय जादूगर जिसका नैतिक गुण था ज्ञान। The fourth was a holy hermit whose virtue was goodness. जो चौथा कठपुतली था, इसका ये एक पवित्र सन्यासी था जिसका नैतिक गुण था अच्छाई। His father told him, उसके पिता ने उससे कहा, Each of these virtues can help you on your way. प्रत्येक नैतिक गुण तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारे रास्ते में। But remember, strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. लेकिन याद रखना, ताकत और ज्ञान हमेशा अवश्य ही हमेशा सेवा करनी चाहिए बुद्धि और अच्छाई की। The next day, Ong started off his journey carrying a bamboo pole on his shoulder with food and clothing tied at one end and the puppets from the other. अगले दिन ओंग अपनी यात्रा प्रारंभ किया, कैसे, एक बांस का बड़ा सा डंडा ये देखिए अपने कंधे पर लेकर,
और उसमें वो क्या किया कि भोजन और कपड़े को एक छोर पर बांध लिया और दूसरे छोर पर उसने क्या किया कठपुतलियों को बांध लिया। ये देखिए चारों कठपुतलियों को। At night he stopped beneath a banyan tree deep in a jungle। जाते जाते रास्ते में रात हो गई और रात हो गई तो वो रुका एक बरगद के पेड़ के नीचे। गहरे जंगल में वो पहुंच गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे वो रुक गया। आज की कहानी यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली कहानी सुनेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो बहुत ईजी हैं और सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दिस फॉकटेल इज ऑफ विच कंट्री, यह लोक कथा किस देश की है। सेकंड, व्हाट इज द जॉब ऑफ ओंग्स फादर, ओंग के पिता का क्या काम था। व्हाई डिड ओंग डिसाइडेड टू लीव हिज होम, क्यों ओंग ने घर छोड़ने का निश्चय किया। 4. What did Ong's father tell him while giving the puppets? Ong के पिता ने उससे क्या कहा कठपुतली देते समय। Thank you.